ये समी जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो जब आपसे आखिरी बात बात हुई थी तो आपने कहा था कि ग्वार गम ग्वार सीड में तेजी देखने को मिल सकती है छोटी अवधि में, वही तेजी हम आप भी बनते देख रहे हैं। आपने जो लेवल दिया था ग्वार गम का कि 11,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, आपका टारगेट अचीव हो चुका है वो वाला। और ग्वार सीड में भी जो आपने बोला था कि 6100 से 6200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वो टारगेट भी आज आपका अचीव हो चुका है। अब यहाँ से ग्वार में आपको क्या लगता है, क्या ग्वार में यहाँ से तेजी जारी रहेगी और कितनी अवधि के लिए? जी बिल्कुल, देखिए 5600 का जो सपोर्ट बाजार में लिया है, वहां से हमें बाइंग सपोर्ट भी देखने मिला। जो निवेशक है जो लंबी अवधि के लिए खेलते हैं वहां पर, उन्होंने भी बाइंग की है ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो उसके चलते तेजी की संभावना थी जो आज लक्ष्य पूरे हुए हैं। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें ग्वार सीड में देखने मिलेगी, जहाँ पर दाम 2 से 3 सेशन में हो सकता है 6,000 के करीब भी देखने मिले। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ये जो तेजी है ये और थोड़ी सस्टेनेबल है। नेक्स्ट जो मैं लेवल दे रहा हूँ वो करीबन 6,280 का दे रहा हूँ, 6,300 के काफी करीब जो एक लक्ष्य की तरह लिया जा सकता है। उसी तरह ग्वार गम में भी 11,100 का लक्ष्य हासिल हो चुका है, तो ये पॉसिबल है कि हम 10,850 से 10,900 के स्तर इनिशियली देख पाए। लेकिन वहां पर मैं फ्रेश पोजिशन बनाने की सलाह दूंगा बाइंग के साइड। डाउन साइड में 10,600 के नीचे के स्टॉप होंगे और अपसाइड में करीबन 11,550 का एक नया लक्ष्य लेके चला जा सकता है, यानी 11,500 के ऊपर के स्तर हमें आने वाले कुछ समय में देखने मिलेगा। जी,